बिजली की करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, गांव में मचा कोहराम। जी हां, मामला जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के हब्बी नगर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब बिजली की करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि हब्बी नगर गांव निवासी कमलेश यादव उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में बताए गए हैं। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली की तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसके कारण इस व्यक्ति को बिजली की तार में पैर स्पर्श घात होने के कारण करंट लग गई और करंट लगने की कारण से व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आसपास के लोग दौड़ कर आए तब तक उन्हें मौत हो गई थी। दरअसल स्थानीय लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिवारजनों को रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। बिजली के तार जर्जर होने के कारण टूटकर गिर गया, जिसके कारण इस व्यक्ति की मौत हो गया। लोगों को कहना है कि कई बार बिजली विभाग के जर्जर तार बदलने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसी कारण से यह घटना घटी है। कितना दिन से? तीन दिन से नहीं मिला खून। कौन सी नाम है बाबू का? तोरा कौन सी नाम है? घर कितना दिन से? तीन दिन से नहीं मिला खून। कौन सी नाम है बाबू का? तोरा कौन सी नाम है? घर द वॉइस ऑफ मधुबनी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जिले के तमाम खबरों से अपडेट रखें।